असलामुअलैकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी आज मैं आपके लिए CS 201 प्रैक्टिकल सेशन का लैब 13 और 14 का क्विज लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट 11 फरवरी है, तब तक आपने सबमिट करवा देना है। और इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से एंड तक लाजमी तौर पर देखें, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इन टेम्पलेट क्लास कंपाइलर मेक ए कॉपी ऑफ डैश एंड कन्वर्ट इन टू डैश। यानी कंपाइलर टेम्पलेट क्लास में कंपाइलर किसकी कॉपी बनाती है और किस चीज़ में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ऑप्शन जो हैं वो हैं, ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करते हैं, सोर्स कोड को मशीन कोड में, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, या मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। तो ये सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे हैंडआउट्स में दिए हुए पेज 499, दी कंपाइलर मेक्स ए कॉपी ऑफ सोर्स कोड एंड कन्वर्ट इन टू जेड कोड, ठीक है। तो आपने ये लगाना है सी ऑप्शन, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज स्टेटमेंट इज अबाउट द पॉइंटर इज नॉट ट्रू। कहते हैं पॉइंटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पॉइंटर कंटेन ए वैल्यू, पॉइंटर कंटेन ए मेमोरी एड्रेस, पॉइंटर कैन बी वॉइड, पॉइंटर टू एन एरिया इन द मेमोरी, पॉइंट टू एन एरिया इन द मेमोरी। तो इसका ऑप्शन होता है ए, पॉइंटर कंटेन ए वैल्यू, ठीक है। पेज 143 पे ये दिया हुआ है, दे कंटेन मेमोरी एड्रेस नॉट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यानी मेमोरी एड्रेस वो कंटेन करती है लेकिन वेरिएबल की वैल्यू कंटेन नहीं करती। तो उसने पूछा भी हुआ था कि नॉट ट्रू, कौन सा इसमें पॉइंटर के बारे में ट्रू नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन आएगा पॉइंटर कंटेन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंडलाइन इज ए टाइप ऑफ, एंडलाइन है इज ए टाइप ऑफ डैश मैनिपुलेटर, पैरामीटराइज मैनिपुलेटर, यूजर डिफाइंड मैनिपुलेटर, पैरामीटर लेस मैनिपुलेटर, क्लास मैनिपुलेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी आता है, पैरामीटर लेस मैनिपुलेटर, ठीक है। पेज 453 पे दिया हुआ है, दीज आर दी मैनिपुलेटर विदाउट एनी पैरामीटर लाइक। ये देखिए पहले ऊपर दिया हुआ है, टू डिटरमाइन इट इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड व्हाट पैरामीटर लेस मैनिपुलेटर आर। यानी लेस मैनिपुलेटर कौन से होते हैं, दीज आर दी मैनिपुलेटर विदाउट एनी पैरामीटर लाइक एंड लाइन, ठीक है। इसकी मिसाल एंड लाइन होती है, तो इसका ऑप्शन आता है पैरामीटर लेस, यानी जो एंड लाइन है ये वाली एंड लाइन, ये पैरामीटर लेस की जो है वो एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर ऑलवेज स्पेसिफाई ए मेंबर इनिशियलाइजर टू कॉल ए डैश इंस्ट्रक्टर, कॉपी इंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज, या डिफॉल्ट ये पैरामीटराइज। तो इसका हमारे हैंडआउट्स में दिया हुआ है पेज 483 पे, वी ऑलवेज स्पेसिफाई मेंबर इनिशियलाइज टू कॉल ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सर्शन ऑपरेटर्स आर ऑलवेज इंप्लीमेंटेड एज डैश फंक्शन। कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सर्शन, सॉरी इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन जो ऑपरेटर्स होते हैं वो किस फंक्शन में इंप्लीमेंट किए जाते हैं, मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, नॉन मेंबर फंक्शन, या यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसका सी ऑप्शन होता है नॉन मेंबर फंक्शन। ये देखें स्ट्रीम इंसर्शन, सॉरी चला गया यार, स्ट्रीम इंसर्शन, तो उसका नॉन मेंबर ही करेक्ट ऑप्शन आता है, तो वो आपने ये लगा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बिहेवियर ऑफ द कंपाइलर इन डैश क्लास आर द सेम एज द टेम्पलेट फंक्शन। वो कहते हैं किस क्लास में जो कंपाइलर का बिहेवियर होता है टेम्पलेट फंक्शन की तरह सेम होता है, एब्स्ट्रैक्ट, नेस्टेड, टेम्पलेट, या आउटर। तो
तो इसका सी ऑप्शन आता है टेम्पलेट। द बिहेवियर ऑफ द कंपाइलर इन टेम्पलेट क्लास आर द सेम एज द टेम्पलेट फंक्शन, ठीक है, तो इसका टेम्पलेट क्लास आता है पूरा ऑप्शन सी ऑप्शन टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्पलेट फंक्शन शुड बी डैश फाइल। वो कहते हैं टेम्पलेट फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन जो होती है वो किस फाइल में होनी चाहिए, मल्टीपल फाइल, डिस्टिंक्ट फाइल, सेम फाइल या डिफरेंट फाइल, तो इसका सी ऑप्शन आता है सेम फाइल। हैंड आउट्स में पेज 499 पे दी हुआ है। सो द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए टेम्पलेट फंक्शन शुड बी इन द सेम फाइल, ठीक है, इसका सी ऑप्शन आता है सेम फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी कॉल ए फंक्शन एंड पास एन आर्गुमेंट एन ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल टू द फंक्शन इज कॉल्ड। जब कहते हैं हम जब वो कोई फंक्शन कॉल करते हैं या आर्गुमेंट पास करते हैं जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वेरिएबल क्या कहलाता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, पॉइंटर या रेफरेंस, तो इसका डी ऑप्शन आता है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। पेज 469 पे दिया है, ये देखें, वेन एवर वी कॉल ए फंक्शन एंड पास एन आर्गुमेंट एन ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल टू द फंक्शन देन बाय डिफॉल्ट रूल सी प्लस प्लस इट इज कॉल बाय वैल्यू, इसका कॉल बाय वैल्यू करेक्ट ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन कॉल बाय वैल्यू। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वी कैन नॉट डिक्लेयर ए फंक्शन एज ए फ्रेंड ऑफ डैश क्लास। वो कहते हैं हम कौन सा जो फंक्शन है वो फ्रेंड क्लास के साथ जो होते हैं डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऑप्शन जो है वो हैं आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, आई स्ट्रीम डबल स्ट्रीम या ओ स्ट्रीम ओनली, तो इसका ए ऑप्शन आता है मेरे हिसाब से, इसका आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम आता है ए ऑप्शन। अगर इसको आपको करेक्ट ऑप्शन मालूम हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। अगर हम हैंड आउट्स में ये सर्च करें ना इसका, तो ये यहाँ पे कोई अननोन रेफरेंस ही देता है, कोई सही रेफरेंस नहीं देता। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर मालूम है तो मुझे लाजमी तौर पर बताइएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका ए ऑप्शन आता है आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आगे दूसरों को शेयर भी करना है, और बेल आइकन को लाजमी तौर पर ऑन करता है ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और इसके अलावा आगे मैं फाइनल टर्क वाले से इंशाल्लाह वीडियोज़ अपलोड करूँगा। थैंक यू।